हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशफाक और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो एक टाइप होता है जिसको ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, जो कि छोटे बच्चों में प्रॉब्लम होती है। 3 साल का जब बच्चा होता है उस टाइम पे, या 4 साल का होता है उस टाइम पे, ये प्रॉब्लम सिम्टम्स इसके दिखाई देते हैं। तो आप किस तरह से अपनी जो आपका जो भी बच्चा है जिसको ये प्रॉब्लम है उसमें किस तरह से आप पहचान सकते हैं, वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आप जान सकते हैं कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जब किसी बच्चे को होती है तो जो पेरेंट्स होते हैं और बहुत से डॉक्टर भी उस बीमारी को ठीक टाइम पे या सही टाइम पर पहचान नहीं पाते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है और जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉपर वे में डायग्नोज नहीं होती, तो थोड़े ही टाइम में 1 साल 2 साल में बच्चा इतना वीक हो जाता है कि उसको आगे को ट्रीट करना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसकी मसल्स में दोबारा से स्ट्रेंथ लाना जो है उसमें भी काफ़ी परेशानी होती है। तो हम कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे अगर बच्चे में दिखाई देते हैं तो उससे हमें पहचान जाएंगे कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसमें जो पहला सिम्टम होता है वो बच्चा जो होता है जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम होती है, जो सबसे पहले सिम्टम दिखाई देता है वो ये होता है कि बच्चा जब बैठ के उठता है तो उसको उठने में परेशानी होती है। या तो बच्चा जो है आपका घुटने पे हाथ रख के उठेगा या फिर ज़मीन के ऊपर हाथ रख के उठेगा। और जब ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बच्चा फिर टांगे पीछे करके उठता है, जोर उसको ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो ये पहला जो सिम्टम होता है वो यही होता है कि बच्चा जो है उठने में उसको प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो सिम्टम होता है वो ये होता है बच्चा चलते चलते जो है गिर जाता है, कहीं पर भी ऊंचा नीचा होगा या बच्चा तेज़ी से चलेगा तो वहाँ पर वो गिर जाएगा, ये भी एक सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। तीसरा जो सिम्टम होता है वो जो काफ मसल्स होती हैं, जो पिंडली होती हैं, वो मोटी हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। और ये जो है एक सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे को ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसके बाद जीने पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चा जो है जीने पे या कहीं ऊंचा होता है वहाँ पर वो चढ़ नहीं पाता, ये भी एक सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। इसके बाद जो एक और सिम्टम होता है कि बच्चा जो है पंजे के ऊपर चलने लगता है, एड़ी उठा के चलने लगता है, तो ये भी एक सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। इसके बाद अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उसका जो सीना होता है बच्चे का वो आगे की तरफ, चेस्ट रीजन जो है वो आगे की तरफ निकलने लगता है, जो पीठ होती है वो अंदर की तरफ चली जाती है, ये भी एक सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। तो इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं, स्टार्टिंग में जो भी सिम्टम्स होते हैं, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपके बच्चे को दिखाई देते हैं तो आप समझ जाएं और उसको एक किसी स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसमें मल्टीविटामिन या स्टीरॉयड्स, जो कि कोई इफेक्ट जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में इन मेडिसिंस का नहीं होता। होम्योपैथिक मेडिसिंस बहुत अच्छी हैं, ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिंस हैं और हम अपने प्रैक्टिस में बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है यूज़ करते हैं, जिससे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें जो भी सिम्टम्स आते हैं वो क्योर होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट जो इन मेडिसिन से मिलता है। बच्चे की जो वीकनेस होती है मसल्स की वो ठीक होती है, उसमें स्ट्रेंथ मिलती है, उसकी जो प्रोग्रेस होती है मसल्स वीकनेस की वो रुकती है। और जो सबसे खास चीज़ होती है वो ये होती है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बच्चे के, वहाँ की मसल्स जो हैं वीक नहीं होती है। ये मेडिसिन लेने से जो है आपके बच्चे के इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता और जो उसकी मसल्स होती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है। बहुत अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो आप जो है अगर आपके बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम आप अगर लगता है आपको, या उसको डायग्नोस किया गया है कि इसको ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो एक बार व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट